हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शेयर स्टडी आर नेक्स्ट पोएम द नोबल नेचर। नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव, द गुड बिहेवियर। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय द ग्रेट इंग्लिश पोएट बेन जॉनसन। लेट अस फर्स्ट वी शुड स्टडी समथिंग अबाउट आर ग्रेट पोएट बेन जॉनसन। सबसे पहले हम बेन जॉनसन के बारे में कुछ जान लेते हैं। बेन जॉनसन वॉज ए वर्सेटाइल एंड जीनियस लिटरेरी पर्सनैलिटी। वाई ही इज कॉल्ड वर्सेटाइल? वर्सेटाइल मीन्स बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न। The person who has ability to do many works is known as versatile. He is a genius literary personality because he contributed his entire life for the development of literature. So he is genius literary personality and versatile poet. वाई इज कॉल्ड वर्सेटाइल? अरे इन्हें बहुमुखी प्रतिभा संपन्न क्यों कहा गया? बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली ए पोइट, ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर, ही वॉज ए प्ले राइट, नाटककार, प्ले राइट, एंड ही वॉज ऑल्सो ए वेरी फेमस क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी। He was very famous critic of 17th century. Critic, समालोचक, कौन होता है समालोचक? The person who explains merit and demerits of a composition written by the other poets, other writers, दूसरे लेखक कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाओं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करने वाले पर्सन को कहा जाता है क्रिटिक इन लिटरेचर। समालोचक थे। इट इज नेवर एन इजी वर्क। बेन जॉनसन वॉज नोन फॉर हिज क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडीज। कॉमेडीज, डू यू नो, हास्य नाटक को कॉमेडीज कहा जाता है। इनकी कॉमेडीज क्लासिकल थी। क्लासिकल मीन्स वेरी सीरियस, हैविंग टू मच नॉलेज एंड वैल्यू। That is known as classical and realistic. That is related to real life. इनकी कॉमेडी ऐसी थी जो बहुत सीरियस थी, रियल लाइफ से संबंध रखती थी और बहुत ही वैल्यूएबल थी। एंड इज वेरी फेमस कॉमेडीज वर वॉलपॉन, एल्केमिस्ट, द साइलेंट वूमेन। इसके बाद व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ दिस पोएम वी शैल स्टडी। नोबल नेचर, ये जो पोएम है इसकी क्वालिटीज क्या हैं? देखो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, वेरी शॉर्ट पोएम। इट इज ए वेरी शॉर्ट लिरिक पोएम। लिरिक इज ए सॉन्ग दैट इज संग विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर। ये एक ऐसी पोएम है, एक ऐसा गाना है जिसे वीणा के साथ में गाया जाता है। इट इज जनरली यूज्ड, इस लिरिक का यूज जनरली टू एक्सप्लेन एनी इमोशन एंड फीलिंग, किसी भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है।
जैसे काइंड, लव, हेट्रेड एंड सिंपैथी, पैट्रियटिज्म, किसी भी फीलिंग या इमोशन को एक्सप्लेन करने के लिए लिरिक का यूज किया जाता है। तो दिस इज ए वेरी शॉर्ट लिरिक। अच्छा, इसके अलावा दिस पोएम इम्पार्ट्स ए वेरी वैल्यूएबल मीनिंग एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी, कि ये पोएम इंसानियत को एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा अर्थ प्रदान करती है। वो अर्थ क्या है कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम वर्षों में जीवित नहीं रहते बल्कि हमारे जीवन का इंपॉर्टेंस हमारे कर्मों में होता है। द पोएम कॉन्ट्रास्ट, ये पोएम एक विरोधाभास करती है द मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लाइफ, लॉन्ग लाइफ, किसका, मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विद द शॉर्ट लाइफ विच इज फुल ऑफ हेरोइक एंड नोबल एक्ट्स। ये एक लंबे, अप्रभावी और अनइम्प्रेसिव और मीनिंगलेस, अर्थहीन लंबे जीवन की तुलना उस सूक्ष्म जीवन से, शॉर्ट लाइफ से करती है। दैट इज फुल ऑफ हेरोइक एंड नोबल एक्ट्स, जो सद्कर्मों से, भले आचरणों से भरा हुआ है। टेकिंग टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम नेचर, एन ओक ट्री एंड अ लिली, दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। एन ओक ट्री, ओक ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड इन हिंदी बलूत का वृक्ष। दिस ट्री इज ग्रोन वेयर इन ट्रॉपिकल रेंज और दैट इज नोन फॉर इट्स लार्ज साइज, इट कैन ग्रो अप टू 148 feet, ये 148 फीट तक ग्रो कर सकता है, वेरी लार्ज इन साइज। लेकिन इसकी स्पेशल फीचर में ये भी आता है, इट्स रूट्स ग्रो वेरी फार फ्रॉम द साइड, इट कैन कॉज द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एंड द हाउसेज। इसे अगर किसी मोहल्ले में उगा दिया जाए तो पूरे मोहल्ले के घर ही उखाड़ देगा, वेरी डिस्ट्रक्टिव। एंड ए लिली वेरी शॉर्ट प्लांट, वेरी टाइनी फ्लावर्स, लिली बहुत छोटा फूल होता है, दैट इज नोन फॉर स्वीट फ्रेगरेंस, अपनी सुगंध के लिए, स्वीट फ्रेगरेंस के लिए जाना जाता है। और इट इज ऑल्सो गिव ए ब्यूटिफुल लुक, और ये काफी सुंदर दिखाई भी देता है। क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम में कवि, पोइट क्या कहना चाहते हैं, कि इफ समवन ग्रोज वेरी लार्ज इन साइज एंड लिव ए लॉन्ग लाइफ, ओक ट्री लिव ए लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 years, देयर इज नो इम्पोर्टेंस इफ हिज लाइफ इज एम्प्टी, इज विदाउट नोबल एक्ट्स, इज विदाउट इम्प्रेसिव एक्ट्स। इट इज गुड फॉर अस टू लिव ए शॉर्ट लाइफ, ये हमारे लिए लंबे जीवन को जीने से बढ़िया है कि हम अपना चाहे शॉर्ट लाइफ इस पे जिए, लेकिन दैट मस्ट बी फुल ऑफ नोबल एक्ट्स, वो हमारा सत्कर्मों से भरा हुआ होना चाहिए। लेट अस स्टडी द पोइम। द पोइट सेज,
इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क. बल्क मीन्स वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज क्वांटिटी. हेयर इट इज यूज फॉर वेरी लार्ज इन साइज. डथ मीन्स, इट इज ओल्ड इंग्लिश, इट मीन्स डज मेक द मैन बेटर बी. इफ अ मैन ग्रोज वेरी लार्ज इन साइज लाइक ए ट्री, दैट डज नॉट मेक हिम ग्रेट पर्सनैलिटी. अगर एक इंसान एक वृक्ष की तरह आकार में बहुत बड़ा हो जाता है, इससे इंसान महान नहीं बनता है. और स्टैंडिंग लॉन्ग लिविंग ए लॉन्ग लाइफ स्पैन, अगर वो एक बहुत लंबा जीवन जीता है, लाइक एन ऑक, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. ह्यूमन बींग इज कंपेयर्ड विद एन ऑक ट्री. इफ समवन लिव्स ए लॉन्ग लाइफ लाइक एन ऑक ट्री हु लिव्स 300 years इन दिस वर्ल्ड. अगर कोई व्यक्ति एक लंबा जीवन जीता है, जैसे ओक का वृक्ष जीता है 300 वर्षों तक, ये लंबा जीवन उसे महान नहीं बनाता है. इफ हिज लाइफ इज विदाउट अचीवमेंट्स, एकम्प्लिशमेंट्स, विदाउट नोबल एक्ट्स, नोबल नेचर, अगर उसका जीवन उत्तम स्वभाव के बिना है, उत्तम कर्मों के बिना है, अगर उसका जीवन उपलब्धियों के बिना है, तो ऐसा लंबा जीवन व्यर्थ है. जैसे एन ऑक ट्री टू फॉल अ लॉग एट लास्ट. एन ऑक ट्री ग्रोज वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा बढ़ जाता है. लिव्स अ लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 years, लंबा जीवन जीता है 300 वर्षों तक. It never gives any fruit, never gives any flower. ये कभी ना तो फूल देता है ना फल देता है. Its wood is very hard that cannot be used as a fuel. इसकी जो लकड़ी है बहुत ही हार्ड होती है, जैसे ईंधन के रूप में भी यूज नहीं किया जा सकता. तो अंत में ये 300 वर्षों के बाद गिर जाता है, विदाउट यूजिंग बाय एनी वन, विदाउट गिविंग एनी प्लेजर टू एनी वन. ये किसी को न तो खुशी देता है ना आनंद देता है, और अंत में एक लट्ठे की तरह गिर जाता है. आफ्टर बिकमिंग ड्राई, सूखा होने के बाद, बाल्ड मीन्स लीफलेस है. आफ्टर हैविंग लीफलेस एंड शेयर मीन्स सैपलेस. द लिक्विड दैट इज फाउंड इन द प्लांट इज कॉल्ड सैप. इट डज द वर्क इन साइड द बॉडी ऑफ द प्लांट एज ब्लड डज वर्क इन आर बॉडी. जैसे खून हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, वैसे ही सैप एक प्लांट के अंदर काम करता है. जैसे ब्लड कैरीज फूड एंड अदर ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स टू ईच एंड एवरी सेल. जैसे ब्लड हमारे शरीर की एक एक सेल के लिए फूड ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, और नेसेसरी जो भी हमारे एंजाइम्स बनते हैं उन्हें ले जाता है. वैसे ही सैप डज द सेम वर्क इन द प्लांट एंड ट्री. अंत में ये सैप लेस हो जाता है, लीव्स विदर अवे एंड फॉल डाउन, पत्तियां सूख जाती हैं, गिर जाती हैं, एंड इट बिकम वेरी ड्राई एंड फॉल डाउन आफ्टर लिविंग ए लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 years. 300 वर्षों का लंबा, व्यर्थ, अनइम्प्रेसिव, अनयूज्ड एंड बेकार का जीवन जीते हुए चला जाता है. पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, एक इंसान अगर एक वृक्ष की तरह आकार में बहुत बड़ा हो जाता है,
और ओक के ट्री की तरह एक लंबा जीवन जीता है, इससे वो महान नहीं बन जाता। जैसे एक ओक ट्री अंत में बिना किसी के यूज़ किए, बिना किसी को कोई प्लेजर दिए, हैप्पीनेस दिए, वो अंत में मुरझाकर सूख कर सैपलेस होकर गिर जाता है, वैसे ही वो इंसान जिसमें नोबल नेचर नहीं है, उसने कभी नोबल एक्ट नहीं किए, उसने कोई अचीवमेंट नहीं पाया, वो अंत में वैसे ही व्यर्थहीन जीवन जी के चला जाता है। नाउ कम ऑन द सेकंड स्टेंजा। अ लिली, लिली इज ए वेरी टाइनी एंड वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ऑफ अ डे इट लिव्स ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, बहुत ही छोटा जीवन जीता है। ही इट लिव्स ओनली फॉर वन डे, इट ग्रोज आफ्टर द सन शाइनिंग एंड फॉल डाउन बिफोर द नाइट। द लिली ऑफ ए डे इज फेयरर, इट ब्लूम्स एंड बिकम फेयरर मोर ब्यूटिफुल फार एट द लास्ट ऑफ द मंथ ऑफ मे। ये मई के महीने के अंत में जाकर खिलता है। इट बिकम्स ब्यूटिफुल, इट ब्लूम्स, ये खिलता है एंड टर्न्स इंटू ए ब्यूटिफुल फ्लावर। अ लिली दैट लिव्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ओनली फॉर वन डे, जो केवल एक दिन का छोटा सा जीवन जीता है। ऑल्दो, हालांकि, इट फॉल्स एंड डाई दैट नाइट, इट ग्रोज इन द डे एंड फॉल डाउन बिफोर द नाइट एंड डाई इन द सेम नाइट। इट इज द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ लिली फ्लावर। इन स्पाइट ऑफ लिविंग ए शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, इतना छोटा सा जीवन जीने के बावजूद भी, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। चाहे वेदर लिली इज ए प्लांट, वेदर लिली इज ए फ्लावर, चाहे लिली वो चाहे पौधा है या फ्लावर है, ऑफ लाइट। लाइट इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, इट इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, ये हमें खुशियां ही देता है। लिली इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट लिव्स ड्यूरिंग द डे एंड डाई बिफोर द नाइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फ्लावर ऑफ लाइट। इसे फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है? इसके देयर आर टू रीजंस। इट गिव्स अस प्लेजर एंड हैप्पीनेस, बिकॉज प्लेजर एंड हैप्पीनेस, लाइट इज द सिंबल ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फ्लावर ऑफ लाइट। भाई लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा गया है? क्योंकि लाइट सिंबल होता है प्लेजर का और हैप्पीनेस का, खुशहाली का, और ये हमें खुशियां देता है, चाहे ये छोटा सा जीवन जीता है। व्हेन समवन पासेस बाय इट, इट गिव्स प्लेजर टू द बीहोल्डर, जो कोई भी इसे देखता है वो इसे खुशियां देता है। बिकॉज ऑफ स्वीट फ्रेगरेंस, अपनी सुगंध के कारण, एंड ब्यूटिफुल लुक, और अपनी सुंदर दिखावट के कारण, इट गिव्स प्लेजर, इट गिव्स हैप्पीनेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फ्लावर ऑफ लाइट। चाहे छोटा सा जीवन जीता है, बट इट इज नोन एज द फ्लावर ऑफ लाइट। दूसरा रीजन क्या बताया? इट ग्रोज ड्यूरिंग द डे, ये दिन के समय ही खिलता है, एंड फॉल्स डाउन एंड डाई बिफोर द नाइट, देयरफॉर लिली इज कॉल्ड द फ्लावर ऑफ लाइट। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, बिकॉज इट इज वेरी वेरी टाइनी फ्लावर एंड इट लिव्स ए वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, छोटे से
प्रोपोर्शन रेशियो, इस छोटे से अनुपात में ही ये खुशियां देता है, छोटा है, छोटे अनुपात में खुशियां देता है। वी जस्ट ब्यूटीज सी, वी सी ब्यूटीज, वी सी ब्यूटीज इन इट, वेदर इट इज इन स्मॉल रेशियो, चाहे हम छोटे अनुपात में देखते हैं लेकिन हम इसमें अपनी हैप्पीनेस पाते हैं, प्लेजर पाते हैं, इसमें हम ब्यूटीज देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, इन द सेम वे एज लिली लिव्स ए शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टाइनी इन साइज, लिली की तरह चाहे ये एक छोटा सा होता है, छोटा सा फ्लावर है और एक छोटा लाइफ स्पेन जीता है, इंसान भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी शॉर्ट साइज, वेरी वीक बॉडी एंड लिविंग ए शॉर्ट लाइफ स्पेन, ऐसे ही इंसान एक छोटा सा जीवन जीने के बावजूद भी, आकार में छोटा दुबला पतला होने के बावजूद भी, गेट द परफेक्शन ऑफ लाइफ, जैसे लिली का वृक्ष, लिली का पुष्प, लिली फ्लावर, छोटा साइज, शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ होने के बावजूद भी, इट सक्सीड्स टू गेट द परफेक्शन ऑफ लाइफ, जिस प्रकार से ये जीवन के परफेक्शन को पाने में सफल होता है इंसान भी, बाय हिज नोबल एक्ट्स, बाय हिज अचीवमेंट्स, बाय हिज नोबल नेचर ही कैन गेट द परफेक्शन ऑफ लाइफ लाइक ए लिली। इट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एन ऑक ट्री एंड ए लिली। समझते हैं कि आपके, ऐसा हम मानते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा भी इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं और इस पोइम को पहले पढ़ें, बाद में इसे देखें, या और बाकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी इसकी।